फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स प्लस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट अपना शुरू है, जिसका नाम है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर फर्स्ट पार्ट का। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अपन देखने वाले हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसमें आज अपने को क्या देखना है, तो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज कि कोई भी गैस अगर आप लो, अगर इफ वी कंसिडर एनी गैस, देन दैट गैस इज कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस गैस में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, जो कि होना चाहिए मोशन में। दैट मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन एंड दैट मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक अ वेरी स्मॉल इलास्टिक स्फीयर। जो क्या करे, बिहेव करे, कैसे बिहेव करे, इलास्टिक स्फीयर के जैसे। इफ गैस है, सपोज दिस इज अ गैस, गैस एयर में है, इधर उधर है। ओके, सपोज दिस इज अ गैस, और उस गैस में क्या है, वो गैस कैसे बना हुआ है, स्मॉल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो गैस कहाँ कैसे बनने वाली है, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि बिहेव करते हैं इलास्टिक स्फीयर के जैसे। कैसे बिहेव करते हैं, इलास्टिक स्फीयर की तरह, और वो हमेशा काय में होने चाहिए, मोशन में होने चाहिए। तो दिस इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है, ये ऑल सेल इन द फेस स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। अब फेस स्पेस के ऑल जो सेल्स है, ऑल जो सेल्स है वो इक्वल साइज के होने चाहिए। मतलब एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं होगा। ऑल सेल्स ऑफ दैट सिस्टम इन अ फेस स्पेस आर ऑफ इक्वल साइज। ऑल एसेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। मतलब क्या कि माइक्रोस्टेट जितने भी करस्पॉन्ड करेंगे पॉसिबल माइक्रोस्टेट को, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। द इक्विब्रियम स्टेट ऑफ द गैस करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम माइक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी। ओके, द इक्विब्रियम स्टेट ऑफ द गैस करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम माइक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी। देन है फिफ्थ, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉन्स्टेंट। कोई भी सिस्टम में अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लो तो वो कॉन्स्टेंट होगे। ओके, एंड देन है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। आपने सिक्स पॉस्टुलेट देखे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन पॉस्टुलेट क्या है कि कोई भी आप अगर गैस लो तो गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि मोशन में होंगे, जो कि क्या होंगे, मोशन में होंगे, और वो बिहेव करेंगे स्मॉल इलास्टिक स्फीयर की तरह। ओके, फेस स्पेस में जितने भी सेल होंगे, जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो इक्वल साइज के होने चाहिए। माइक्रोस्टेट पॉसिबल माइक्रोस्टेट के प्रोबेबिलिटी में इक्वल होना चाहिए। देन इक्विब्रियम स्टेट ऑफ गैस आपको करस्पॉन्ड करेगा माइक्रोस्टेट, मैक्सिमम माइक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी देने का। मैक्सिमम माइक्रोस्टेट एज इक्विब्रियम इंक्रीजेस, एज इक्विब्रियम ऑफ गैस इंक्रीजेस, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस ऑफ माइक्रोस्टेट। ओके, देन है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंट। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कोई भी सिस्टम में, वो कॉन्स्टेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो दिस सिक्स सिंपल पोस्टुलेट्स आर गिवन बाय क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, देन अपने को देखना है माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। उसके पहले आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन, आई एम एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी पर भी आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, तो अन अकेडमी पर आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और जैसे इस पे आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वैसे ही अगर आपने अन अकेडमी पर जाके मुझे फॉलो कर लिया तो आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो चलिए जंप करेंगे अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, और उसके साथ ही आज अपन देखने वाले हैं फेस स्पेस। तो थ्री पॉइंट्स आपको कवर करना है, माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट एंड फेस स्पेस। ओके, तो माइक्रो, माइक्रो मीन्स नाम में ही अपन समझ ले कि छोटे जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स जो है, उसकी स्टडी आप करोगे माइक्रोस्टेट में। माइक्रो मीन्स जो लार्ज पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स है, उसकी आप स्टडी करोगे माइक्रोस्टेट में। और फेस स्पेस क्या होता है ये देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ओके,
तो व्हाट आर माइक्रोस्टेट्स? माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम इज नोन एज माइक्रोस्टेट। अगर कोई सिस्टम है जिसको आपने कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे आप बोलोगे माइक्रोस्टेट, जिसमें पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब हर एक पार्टिकल की खुद की अलग पहचान होगी। सपोज मीन्स वॉट कि आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, ओके? अगर आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में अलग अलग क्लासेस है, तो आपको क्लासेस में सपोज बीएससी है और एमएससी, ओके? बीएससी के 3 ईयर्स होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इसके स्टूडेंट तो है, फिजिक्स के ही स्टूडेंट है, बट उन लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में जो कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसे आप बोलोगे माइक्रोस्टेट, सिंपल, ओके? जिसमें पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, मतलब अब सपोज मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर लिया, एमएससी फर्स्ट ईयर लिया जिसके हर एक एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स मतलब एक पार्टिकल हो गया। सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपन बोलेंगे पार्टिकल, तो हर एक स्टूडेंट की खुद की एक आइडेंटिटी होगी, डिफरेंट आइडेंटिटी होंगी, कोई भी एक में एक से सिमिलर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल दैट आर नॉन इंटरैक्टिंग, कुछ पार्टिकल्स कुछ नहीं, मतलब नॉन इंटरैक्टिंग मतलब इंटरैक्शन होगा क्या उन लोगों में? नहीं होगा। हैव फिक्स इंटरनल एनर्जी, उनकी खुद की एक इंटरनल एनर्जी होंगी। अगर कोई होशियार है, कोई 50% वाला स्टूडेंट है, कोई 60% वाला स्टूडेंट है, कोई 70% वाला स्टूडेंट है, तो उनके स्टूडेंट्स के परसेंटेज पे या फिर उनकी गेनिंग पावर पे उनकी जो है वो इंटरनल एनर्जी फिक्स होंगी। कोई जल्दी से ग्राप्स मतलब कोई जल्दी से समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता, या फिर किसी को मीडियम टाइम लगता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती। मीन्स वॉट कि उनकी अलग अलग फिक्स इंटरनल एनर्जी है। जो डम स्टूडेंट है उनको टाइम लगता है, ओके, तो उनकी इंटरनल एनर्जी उतनी होगी। जो शार्प स्टूडेंट है वो जल्दी से समझ लेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब क्या कि हैव देयर फिक्स इंटरनल एनर्जी, उनकी उनकी एक अलग फिक्स इंटरनल एनर्जी होंगी। और क्या? ऑक्यूपाई साउंड वॉल्यूम, उनको वॉल्यूम लगेगा, सिंपल है, कोई पार्टिकल है तो वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगा ही। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्टेट। और एक है द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब अंडर द एक्सटर्नल पैरामीटर्स। अगर कोई स्टेट ऑफ सिस्टम डिस्क्राइब कर रही है कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स को, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर को, अगर एखादे वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई एखादे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है तो दैट इज नोन एज माइक्रो स्टेट। वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर को पैरामीटर्स ऑफ माइक्रो स्टेट भी बताया जाता है। कि अगर कोई सिस्टम को अगर अपन ने इस इन तीनों चीज़ों से डिस्क्राइब किया, सपोज मैंने बोला कि दिस इज अ बॉडी विच हैज वॉल्यूम, सपोज एच क्यूब उसका वॉल्यूम है, ओके, उस सिस्टम का टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, एंड उसे कुछ तो भी प्रेशर भी है, सपोज टू बी 1200 PPM का प्रेशर है उस पर, ओके? तो दिस थिंग्स, ये चीज़ों के ऊपर मैंने इस पार्टिकल को डिस्क्राइब किया तो मीन्स दिस पार्टिकल इज नोन एज माइक्रो स्टेट, ओके? आपको समझ में आ गया माइक्रोस्टेट मीन्स वॉट? अब अपन जंप करेंगे माइक्रोस्टेट पे। माइक्रोस्टेट मीन्स वॉट कि नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज फिक्स इंटरनल एनर्जी कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर इसको समझना है तो अगेन एक एग्जांपल लूँगी। सपोज अभी क्वारंटाइन का वक्त शुरू है, ओके, क्वारंटाइन में सबसे ज़्यादा खेलने वाला गेम शुरू है अभी लूडो, ओके, लूडो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं लोग। तो लूडो में सपोज टू बी आप लूडो खेल रहे हो और आपके पास 2 डायस है, ओके, एंड यू हैव टू, यू वांट 7 नंबर्स, 7 नंबर्स आपको चाहिए कि वो जो आपकी गोटी है वो आपके आपको विन होना है। अगर आपको सपोज टू बी विन होना है उस गेम में तो आपको 7 गिरने चाहिए और आपके पास 2 डायस है। तो 2 डायस में सपोज आपको यहाँ पे इसमें 2 पड़े और इसमें 5 गिरे,
मीन्स वॉट, टू एंड फाइव आर माइक्रो स्टेट, बट टू प्लस फाइव इक्वल्स टू वॉट, सेवन, तो सेवन क्या हो गए, माइक्रो स्टेट। अगर आपको सपोज एक डायस में यहाँ पे थ्री गिर गए और इधर के इसमें आपको फोर गिर गए, मीन्स वापस आपको सेवन मिले, यहाँ पे सपोज आपको थ्री गिर टू गिरे नहीं, यहाँ पे आपको फाइव गिरे और इस वाले इसमें टू गिरे, तो नो मैटर्स, मैटर करेगा क्या, नहीं। यहाँ पे आपको सपोज टू भी वन गिर गए और इस पे सिक्स गिर गए, तो क्या हो गया, मिल गए सेवन। मीन्स वॉट, सेवन इज अ माइक्रो, एम ए सी आर, और ये जो है टू फाइव थ्री फोर फाइव टू वन सिक्स, ये है माइक्रो स्टेट। तो मीनिंगफुल वे में फिक्स इंटरनल एनर्जी भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आपको क्या करना है, सेवन मिलाना है, टू फाइव थ्री फोर फाइव टू वन सिक्स, ये हो गए माइक्रो स्टेट, हो गए माइक्रो, एम ए एम आई सी आर ओ। तो ये जो है आपको हो गई माइक्रो स्टेट, ये हो गए सेवन। लूडो में आपको जितना है सेवन मतलब माइक्रो स्टेट, उस लूडो के गेम के लिए माइक्रो, एम ए सी आर माइक्रो स्टेट कितनी हो गई, सेवन हो गई। और माइक्रो स्टेट ऑल द पॉसिबल नंबर्स, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो गए उतने हो गए, टू फाइव गिर सकते हैं आपको, थ्री फोर गिर सकते हैं, फाइव टू गिर सकते हैं, वन सिक्स गिर सकते हैं, तो ऐसे सो ऑन, जितने भी पॉसिबल वेज में आपको सेवन गिरे वो हो गए आपकी माइक्रो स्टेट। एन नंबर ऑफ पॉसिबल हो गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एन बोल दिया कि एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है जिससे आपको सेवन गिर सकते हैं, तो दैट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो भी होगी वो हो गई आपकी माइक्रो स्टेट। द नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंगफुल अरेंजमेंट वही आपको मैंने अभी बताया। द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द एनर्जी लेवल इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट। जैसे आपने मैंने वहाँ पे बोला कि वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है तो वो हो गया माइक्रो स्टेट, वैसे ही अगर किसी चीज़ को एनर्जी डिस्क्राइब करती होगी तो वो हो गया माइक्रो स्टेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। अब अपने को देखना है फेज स्पेस, वॉट इज फेज स्पेस। तो फेज स्पेस क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट, पोजिशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, अगर किसी मोशन को और पोजिशन को डिस्क्राइब करता है तो उसे आप बोलोगे फेज स्पेस। फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है, दिस इज द पेंडुलम जो क्या कर रहा है, इधर से उधर रोटेट हो रहा है। तो ये रोटेट हो रहा है तो इसकी एक पोजिशन, पार्टिकल की एक पोजिशन होगी और एक उसकी मोमेंटम होगी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम। तो उसके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में, तीनों भी एक्सिस में पोजिशन के साथ साथ उसके मोमेंटम की भी स्पेस होंगी। तो ये जो दोनों चीज़ें मिला के जो स्पेस तैयार होगा उसे आप बोलोगे फेज स्पेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। तो एक्स वाई जेड, आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, थ्री डी में देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट्स, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थ्री होंगे, एक्स वाई एंड जेड। बट फॉर अ फेज स्पेस उसके साथ ही उसके क्या होंगी, पोजिशन स्पेस भी होंगी तीन, मतलब थ्री सिंपल कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री मोमेंटम के लिए, थ्री पोजिशन के लिए, थ्री मोमेंटम के लिए, मीन्स देयर इज सिक्स डायमेंशन। फेस स्पेस को सिक्स डायमेंशन होंगी जिसके कार्टिशन कोऑर्डिनेट आप बोलोंगे एक्स वाई जेड, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई एंड पी ऑफ जेड, मीन्स पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई एंड पी ऑफ जेड, मीन्स यहाँ पे मोमेंटम के लिए यूज किया गया है। और इससे ये जो एक एक है उसे आप बोलोगे ग्यामा स्पेस, उसे आप क्या बोलोगे, ग्यामा स्पेस। सो दिस इज ऑल अबाउट फेस स्पेस। फेस स्पेस की एक आपको पता है, अगर आपको मैं सिंपल ये सारा पढ़ लो, मैं आपको एक सिंपल में बता दूं कि यहाँ पे सपोज टू बी फेस स्पेस आपको समझाना है तो ये देखो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। तो इसके साथ साथ इसकी पोजीशन वेक्टर्स भी होंगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ जेड, सॉरी दिस इज एन पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज एन मोमेंटम वेक्टर। तो ये सारे मिला के सिक्स डायमेंशन में आपको फेस स्पेस मिल रही है। बट आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टनिटी प्रिंसिपल आपने कहाँ पे देखा है, क्वांटम में देखा है। क्वांटम में अनसर्टनिटी प्रिंसिपल है जो बताता है कि पोजिशन और स्पेस
जो है पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेट साइमल्टेनियसली। एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देखा होगा क्वांटम में। क्वांटम में एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली आप काउंट नहीं कर सकते, और अगर आपको ये काउंट करना है तो पोजीशन एंड मोमेंटम का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू एच रहना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू एच रहना चाहिए। तो यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स है, थ्री थ्री पोजिशन वेक्टर्स है और थ्री मोमेंटम वेक्टर्स है। तो एक एक के साथ अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऐसे तीन लिए तो तीनों का हो गया एच इंटू एच इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा उसका एच क्रॉस एच मीन्स एच क्यूब। तो हमेशा आप याद रखोगे कि फेस स्पेस का क्या, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि द वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इज लेस देन और इक्वल्स टू एच क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इज लेस देन और इक्वल्स टू एच क्यूब, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस जो स्लाइड है इसमें मैंने यही बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इज इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू एच क्यूब, मीन्स अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों ऐसा है? क्योंकि साइमल्टेनियसली आप पोजिशन और मोमेंटम को क्या नहीं कर पाते हो, मैथमेटिकली आप उसे नहीं निकाल पाते हो। तो वॉल्यूम मीन्स वॉट, हर एक चीज एरिया का मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखो डी एक्स और डी ऑफ पी वाई मिला के हो गया एच, यहाँ पे ये दोनों मिला के हो गया एच और ये दोनों मिला के हो गया एच, मीन्स एच इंटू एच इंटू एच। तो सब यहाँ पे मैक्सिमम डी यू सॉरी मिनिमम उसकी वैल्यू एच क्यूब होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस स्पेस आपको समझ गया है, लेस देन और इक्वल्स टू एच क्यूब, समझ गए आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट फेस स्पेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनादर लेक्चर्स। थर्ड लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी।